बच्चों में एक जन्मजात बीमारी डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। यह बीमारी जिस बच्चे के होती है वह अपने पैरों में खड़ा हो पाने में असमर्थ होता है। अभी तक इस मर्ज का इलाज सिर्फ विदेशों में था, लेकिन अब यह इलाज भारतवर्ष में भी आ गया है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल में ऐसे मरीजों को स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से ठीक किया जा रहा है। डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीज का हैलट में उपचार स्टेम सेल थेरेपी से जन्मजात बीमारी से मिल रही निजात। अभी तक विदेशों में होता था इलाज। मरीज से जानकारी लेते डॉक्टर बीएस राजपूत। पेशेंट यहाँ देख रहे हैं, जिनको आप देख रहे हैं, इनमें क्या दिक्कत है? इनको एक जेनेटिक बीमारी है मांसपेशियों की, जिसको ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं, और ये खतरनाक लाइलाज बीमारी है और जो डेंजरस टू लाइफ भी है। डॉक्टर साहब, इनका जो मैं इनको देख रहा हूँ, असहज है, अभी नॉर्मल नहीं है, किस हिस्से का स्टेम सेल थेरेपी इनकी होनी है? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये बीमारी इनकी पूरे शरीर में है, इसलिए इनके हिप के साइड बोन से हम लोग जो है वो बोन मैरो निकालेंगे और उसको प्रोसेस करके जो सेल कंसेंट्रेट आएगा वो इनके स्पाइन में भी डालेंगे, ब्लड में भी डालेंगे और मसल्स में भी, पूरे ऑल ओवर बॉडी डालेंगे, पूरे पूरे शरीर में उसका प्रत्यारोपित किया जाएगा। किस तरह के शरीर के रोगों में स्टेम सेल थेरेपी कारगर है, उसके बारे में? हाँ, तो देखिए, बेसिकली जो बच्चों में हम लोग दे रहे हैं वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज में दे रहे हैं और सेरिब्रल पैल्सी और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में दे रहे हैं। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ऑर्थोपेडिक्स में नी आर्थराइटिस है, और एवियन हिप है, जो कूले में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उससे कूला खराब हो जाता है, और इसका अनकंट्रोल डायबिटीज में भी है। न्यूरोलॉजिकल इंडिकेशंस काफ़ी हैं, जैसे मोटर न्यूरॉन डिजीज है, ALS है, पार्किंसंस है, इन सब के अंदर ये काम आ रही है। तो डॉक्टर बीएस राजपूत, जो यहाँ पर कानपुर GSBM में विजिटिंग प्रोफेसर हैं, स्टेम सेल थेरेपी के मरीजों को आज देख रहे हैं और कुछ फॉलो भी कर रहे हैं, कुछ मरीज जिनका एक बार स्टेम हो चुकी है उसको आज फिर से देखा जा रहा है। बहुत कारगर प्रक्रिया है और चिकित्सा विज्ञान में इसकी बहुत सी संभावनाएं नजर आ रही हैं।